सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर में इस टाइप का रियलिस्टिक फॉग। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इस टाइप का फॉग बेसिकली आपके सीन को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और बहुत ज़्यादा कूल बनाता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो बेसिकली इस टाइप के फॉग को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक एडॉन जिसका नाम है ऑल टैब ईजी फॉग। ये एक पेड एडॉन है बट बहुत कूल है और बहुत ज़्यादा सस्ते में आपको मिल जाता है। अगर इससे भी सस्ते में चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली इस एडॉन में बेसिकली आपको बहुत सारे फॉग मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंच ऑफ फॉग्स हैं और एनिमेटेड फॉग्स हैं, एंड सबसे बेस्ट चीज़ है गाइस इसके अंदर आपको इस टाइप के कूल कलरफुल फॉग भी यहाँ पे मिलते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इस टोटली पूरे फॉग के एडॉन को, पर सबसे पहले बात करेंगे कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले जो नीचे लिंक दिया है वहाँ पे जाना है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने एडिट प्रेफरेंस और यहाँ पे आपको एडॉन सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको करना है इंस्टॉल फ्रॉम द डिस्क, और जो भी जिप आपकी वहाँ पर डाउनलोड होगी या फिर आपको जो मुझसे मिलेगी उसको अब यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा ऑल टैब इजी फॉग, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप सी एन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस टाइप का एक एड ऑन मिलेगा जो कि काफ़ी कूल है। तो इसके अंदर हमारे पास बंच ऑफ बेसिकली कह सकते हो कि फॉक्स के इफेक्ट्स हैं। मैं आपको सारे लगा के दिखाऊंगा, कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली अगर हम इसको यूज़ करें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सीन में जाता हूँ, इस वाले सीन में, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने ऑलरेडी एक फॉग क्रिएट करके रखा हुआ था, फिलहाल मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और एन प्रेस करके सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया क्यूब ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्यूब ले लिया मैंने, कोई समस्या नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिकली जाऊँगा अपने डायरेक्ट रेंडर व्यू में। सो अभी आपको लाइटिंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, देयर इज़ नो इशू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एन प्रेस करना है, और जैसे आप एन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आपको यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा वॉल्यूम, एक दिखेगा VDV। तो VDP बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर से लेके आते हैं, जैसे हुडिनी हो गया, कोई भी सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर हो गया। बट जो वॉल्यूम्स है बेसिकली इसमें हमें एक टाइप का क्यूब मिलता है जिसके अंदर हमें पूरा फॉग मटेरियल यहाँ पे बना लगाया हुआ मिलता है। एंड यहाँ पे हमें कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, आप देख सकते हैं ग्राउंड फॉग, फॉग प्लेन्स एंड पफ, ये टोर्नाडो और मैजिक एंड अदर्स, ठीक है ना। तो अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे के सारे आपको दिख जाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हल्का सा ऐसे स्प्लिट करेंगे और एसेट ब्राउज़र में जाएंगे, और यहाँ पे आपको लाइक अनसाइंड पे या फिर मेरे हिसाब से कहीं पे तो कैटेगरी है यूज़र एसेंशियल करंट फाइल, एक सेकेंड, लेट्स सी एसेट लाइब्रेरी, हाँ यहीं पे मिल जाएगा शायद। यहाँ पे आपको सारे फॉग्स भी दिख जाते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे वो हैं या तो वो इसमें से नहीं है या फिर हाँ इसमें आई थिंक वो नहीं है, वो इसमें एसेट में नहीं आ रहे, वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। चलो बेटर है हमको यहीं से मिल जाएगा, तो यहीं पे आपको आइकन्स में मिल जाएंगे सारे के सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो अभी आपको कोई सा भी फॉग चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अभी चाहिए कुछ, देखो अभी मैं पहले सिंपल सा फॉग ऐड करता हूँ, जैसे कि ये वाला फॉग चाहिए मुझे ग्राउंड फ्लॉग, जो भी आपको चाहिए उसको आपको क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद आपको क्लिक करना है फॉग इट अप, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फॉग आ चुका है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये देखिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसके यहाँ से डेंसिटी मतलब कितना डार्क चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, टोटली यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। एंड इसी के साथ साथ आपको कलर, जो कि बहुत मेजर चीज़ है कि आपको कैसा कलर चाहिए, लाल, हरा, पीला, नीला, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, सैचुरेशंस का चेंज कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि जो उसका इससे पहले वाला वर्जन था ऑल टाइप इजी फॉग 1 उसमें ऐसा नहीं था, इन लोगों ने बहुत अपडेट्स कराए यहाँ पे, तो कि काफ़ी सुंदर भी लग रहा है मेरे को, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे मैपिंग नोड है, मैपिंग नोड का क्या यहाँ पे यूज़ है बेसिकली, पहली चीज़ क्या है कि अगर मान लो आपको इस फॉग को अपने मॉडल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है तो उस टाइम पर हो सकता है कि फॉग आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप बेसिकली यहाँ पे मैपिंग की मदद से उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो उसके अलावा इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, क्योंकि ये टोटली यूवी बेस्ड है, तो ये फॉग आराम को आपका किसी भी सेक्शन में किसी भी फेस पे लग सकता है। इवन आप इसको स्केल करेंगे तो देखो ये स्केल भी हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी चीज़ अच्छी है इसमें, और इसको अगर आप कस्टमाइज़ करते हैं किसी भी शेप के अकॉर्डिंग तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो इसका हो गया यूज़ केस बेसिकली, कैसे ऑप्शन के काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम रियली सीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक सीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस सीन को बेसिकली मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। एक सेकंड, मैंने क्या डिलीट कर दिया, सिर्फ इसको डिलीट करना है, ऑलराइट। और उसके बाद मैं जीरो प्रेस करके अपने बेसिकली कैमरा व्यू में आके और रेंडर में बेसिकली हाँ रेंडर व्यू में आता हूँ, तो यस ये हमारा रेंडर व्यू है। और फिलहाल के लिए मैं इस क्यूब को यहाँ पर हटा देता हूँ,
ओके तो अभी आप देखोगे सीन काफ़ी सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, बट यहाँ पे अभी एक लाइवलीनेस नहीं आ रही है। अब हमें यहाँ पे लाइवलीनेस कैसे आएगी, जब हम इसमें ऐड करेंगे फॉग। तो अभी हम यूज़ करते हैं कोई सा भी दूसरा फॉग, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ग्राउंड फॉग कुछ ये वाला, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फॉग इट अप। जैसे मैं फॉग इट अप मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर एक फॉग का वो ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको इसे क्लिक करके मूव करना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे भी आपको उसको मूव करना है। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ यहाँ कहीं पे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप कैमरे में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर यहाँ पे फॉग दिख रहा है। आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, और आप देखिए इसका अगर आपको डेंसिटी चेंज बढ़ानी है कि लग थोड़ा और डेंसिटी चाहिए तो उसे आप डेंस करिए, और जो ये क्यूब है ना इसको आप हल्का सा और स्केल करेंगे तो ये क्यूब भी आपको नहीं दिखेगा। देखो आप इसका डेंसिटी बढ़ाऊंगा तो काफ़ी डेंस हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मुझे इसमें कोई भी कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक एनीथिंग, और इवन अगर कोई नॉइज़ वगैरह ऐड करना है, सीट वगैरह ऐड करनी है, तो वी कैन डू इट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ठीक है ना, इसी के साथ साथ ये तो हमारा एक टाइप हो गया, देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। लाइक इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे डिलीट किया, अब मुझे कुछ अच्छा इफेक्ट्स वाले इफेक्ट वाला लाना है क्योंकि इसमें एनिमेटेड फॉग्स भी हमको मिल रहे हैं। तो लाइक मैं अभी यहाँ पे ले आता हूँ, ऐसे तो ये वाला इसके साथ जा रहा है, बट मैं फिलहाल पहले इसी को लाता हूँ, या फिर कोई और ले लेते हैं, मैजिक पॉफ ले लेते हैं फॉग इट अप। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये और इसके साथ जा रहा है। तो हम ये देखिए इवन हम इसको यहाँ कहीं रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, और ट्राई करते हैं लाइक जैसे ब्लू वाले भी अच्छा लगेगा, और ये जितने भी प्ले का आइकन जिन पे बना हुआ है दैट्स मीन कि इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे ये भी अच्छा लग रहा है कि मान लो उसके गेट्स पे यहाँ पे हमने ये कुछ ऐसे रख दिया, काफ़ी सुंदर है। मतलब अपने सीन को ना बहुत यूजेबल बना सकते हो, बहुत सुंदर बना सकते हो, पर मुझे तो इसमें पसंद आया इस सीन के अकॉर्डिंग वो मुझे पसंद आया ये वाला। देखिए मैंने अभी यूज़ भी किया था ये, इस पर क्लिक करूँगा, फॉग इट अप करूँगा, और फॉग इट अप करने के बाद ये देखिए हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करूँगा कुछ इस तरीके से, और ऐसा लग रहा है कि इसके गेट से यहाँ से कोई कुछ इस टाइप का फॉग निकलते हुए आ रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यस, आप डबल भी कर सकते हो, जैसे आपको ये पसंद आ गया, अब आपको ग्राउंड फ्रॉग भी चाहिए या फिर इस टाइप का कुछ चाहिए तो मैं इसको भी फॉग इट अप कर दूंगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही मिल सकता है, आप यहाँ पर मल्टीपल भी ला सकते हो। तो जैसे मैं इसको जी और एक्स करके यहाँ ले आऊँगा, जी और वाई करके यहाँ ले आऊँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा तो आपको यहाँ पर दोनों मतलब फॉग के साथ दो दो फॉग दिख जाएंगे, और जितने आपको चाहिए बेसिकली। देखो यहाँ फॉग ये वाला फॉग भी मिल गया, एंड इसी के साथ साथ आपको इसमें वो ऐसा वाला फॉग भी दिख रहा है जो हमने यहाँ पे वाला ऐड किया था। दोनों मिक्स करके हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का कूल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरीके से बेसिकली हम यूज़ करते हैं इस एड ऑन को। आई होप आपको पसंद आया होगा, काफ़ी यूजफुल एड ऑन है एंड आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर किसी को भी एड ऑन चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव यू अ बेस्ट प्राइस। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो आप ले सकते हैं हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। इसमें आपको ब्लेंडर इन डेप्थ मिलेगा, चाहे मॉडलिंग हो, टेक्सचिंग हो, लाइटिंग हो, एनिमेशन हो, प्रोडक्ट एनिमेशन हो, कैरेक्टर मॉडलिंग हो, कार्टून कैरेक्टर मॉडलिंग हो, सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और परचेज करते टाइम आप यूज़ कर सकते हैं कोड DZ20, तो आपको 20% का और ऑफ मिल जाएगा अभी करंट प्राइस में, एंड उसके बाद आपको मिलेगी लाइफ टाइम एक्सेस एज वेल। सो बिना किसी देरी के आज ही जाए हमारे वेबसाइट पर परचेज करें हमारा कोर्स। सो तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल।